सत मैं हूं सीए शंकर कांचिया। स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं फेज थ्री। जी हाँ, मर्जर्स एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हाँ है? चालू 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 पब्लिक, लेट द गेम बिगिन। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बता दूं, हर अटेम्प्ट में ये 10 मार्क का इसको आना ही आना है। जी हाँ, समझ रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली वेरी वेरी गुड। प्रैक्टिकली भी ये यूज होता है, तो तुम लोग कभी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे कभी जिंदगी में, तो ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बातें तुम्हारे को काफी काफी दिखेंगी। है कि नहीं, है कि नहीं? तो अगर ये बातें दिखेंगी तो बट ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी और अदरवाइज में। बट ये होता क्या है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, आज फटाफट आप लोग के साथ वो डिस्कस करूंगा और फिर स्टार्ट करेंगे अपन सेशन। बाकी ये चैप्टर इतना वास्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट इतना सही है ना मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कि मतलब मैं खाली 1-3 घंटे का सेशन ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को समझाने में ही डाल दूं। बट कहीं ना कहीं अपने को एंड ऑफ द डे एग्जाम देना है, तो भावनाओं में कैरिड अवे ना होते हुए एक बेसिक आइडिया देके फिर सम्स की ओर अपन लोग बढ़ेंगे। बट कभी टाइम हुआ मेरे पास एक्स्ट्रा है ऐसा कुछ, बहुत डिटेल में मैं ये करवा सकता हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। यस, चलो चलो चलो, नाइस। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। अभी ऑन दैट नोट, आप लोग मुझे कोई बता सकते हो क्या होता है? देखो, तीन टर्म्स यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है? तीन टर्म्स मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, आपको बताना है कि इसमें से आपको कौन सा टर्म पता है। और मैं आपको एक आयरनी बताऊं, आयरनी आयरनी मतलब एक आपको हंसने की बात बताऊं, ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं। तो आज मैं अभी आपको बताने वाला हूं कुछ मर्जर्स के बारे में, कुछ मैं आपको बताऊंगा एक्विजिशंस के बारे में, और फिर बताऊंगा आप लोगों को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, जो इस चैप्टर का नाम है, मर्जर्स एक्विजिशंस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, चल करें शुरुआत। सबसे पहला आता है मर्जर्स, ठीक है? मर्जर्स, कम ऑन, गिव मी एन एग्जांपल। पब्लिक, क्या आप कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे मर्जर्स से रिलेटेड? कौन कौन यार, गिव इट अ ट्राई, कम ऑन पब्लिक। सो लेट्स टेक इट टू बी अमालगमेशन। तुम लोग ने ये वर्ड तो सुना है इंटर में, चैप्टर ये तुम्हारा, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। क्या बात है मेगा, बहुत बढ़िया। सो अमालगमेशन ऑफ टू एंटिटीज, सही, अमालगमेशन ऑफ टू एंटिटीज, ठीक है? तो जब आपकी शादी होती है तो अमालगमेशन ऑफ टू एंटिटीज हो रहा है, पापा पापा, दो दिल एक जान, तो क्या हो रहा है मर्जर, मैरिज, मर्जर, मैरिज, याद रहेगा, अमालगमेशन ऑफ टू एंटिटीज, ए एंड बी कंबाइंड देयर बिजनेस, देन इट्स मर्जर, जी एंड सोनी। ओके ओके, सो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ने इधर लिख दिया ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। अब कोई बता सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स? चलो मैं आप लोगों को एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट का एग्जांपल देता हूं, बहुत फेमस है ये, एग्जॉन मोबिल, बॉस, वर्ल्ड का टॉप ऑयल प्रोड्यूसर विद वर्ल्ड का सेकंड ऑयल, बेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, वन एंड टू कंबाइन हो गए, बोलो, एंड नाम बना दिया एग्जॉन मोबिल। दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मर्जर्स ऑफ इट्स टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट मर्जर्स ऑफ इट्स टाइम। हाँ भैया, बोलो बोलो, चल चल। सो तुम बताओ, डाइवोर्स मींस डीमर्जर। वाह बेटा वाह, मुझे आज तक पता नहीं था, क्योंकि हमको इस गली में जाना ही नहीं है, हमको जिस गली में जाना है हमने तो उसी के बारे में पढ़ा है और पढ़ाया है, वो है मर्जर। क्या बोलते हो, ठीक है? चल, सो मर्जर्स क्या है अपने को समझ में आ गया, और कोई एग्जांपल दे सकता है क्या इसका? देखते हैं कौन दे सकता है, थोड़ा तो तुम लोग ज्ञान पे लो यार। चलो और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, आई डोंट नो तुम लोग ने सुना है कि नहीं, तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन का भी मर्जर हो गया था, ये दोनों मिला के ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन बन गए। ग्लैक्सो वाज अ डिफरेंट कंपनी फार्मा में, दोनों, स्मिथ क्लाइन वाज अ डिफरेंट कंपनी, तो ए और बी मिला के बन गए ए बी कंपनी। कहने का मतलब ए कंपनी और बी कंपनी में शादी हो गई, दोनों मिला के बन गए ए बी कंपनी। क्लियर एवरीबॉडी? सौरभ जी, चल फर्स्ट क्लियर है, मर्जर्स क्लियर है, चलते हैं सेकंड के ऊपर। एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कैन आई से द एक्ट ऑफ डिज्नी एंड हॉटस्टार इज अ मर्जर? यस,
क्योंकि अब वो बन गया डिज्नी हॉटस्टार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब वो लोग बन गए हैं डिज्नी हॉटस्टार। ठीक है, सो ये लोग आप लोगों ने दिया है एग्जाम्पल, तो हमने उसको लिख दिया डिज्नी प्लस हॉटस्टार बन गए डिज्नी हॉटस्टार। ए भाई तुम लोग लिख लो यार, तुम लोग बोलते हो लिखने का टाइम नहीं है, चल फटाफट एक बार लिख लो, फटाफट एक बार लिख लो। स्टार्ट वन, चलो डन हो गया कॉपी करके। नेक्स्ट एक्विजिशंस। एक्विजिशन क्या होगा, देखो पहले मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं क्या होता है मर्जर्स, अमलगमेशन ऑफ टू एंटिटीज, समझ गए सर। अब एक्विजिशन क्या होगा, आई थिंक तुम लोग को अभी आइडिया आ रहा होगा, लिखो अक्वायर करना, नाम से पता चल रहा है द एक्ट ऑफ अक्वायरिंग ओवरटेकिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी। सो द एक्ट ऑफ अक्वायरिंग स्लैश ओवरटेकिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी इज कॉल्ड एज एक्विजिशंस, इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। एग्जाम्पल देगा कोई, अब किसी का एग्जाम्पल शायद बीच में हो जाएगा। ए कंपनी था, उसने अक्वायर किया बी कंपनी को, ये बी कंपनी उड़ गया। अब या तो इसको ए बी कंपनी भी बोल सकते हैं या इसको ए कंपनी भी बोल सकते हैं, जो वो लोग डिसाइड करे, ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है, बट यूजुअली इट इज कॉल्ड एज ए कंपनी। समझिए गुरु एवरीबॉडी। हाँ, अब यहां पे वॉलमार्ट अक्वायर्स फ्लिपकार्ट आप बोल सकते हो, करेक्ट। एफ बी व्हाट्सएप इज एक्विजिशन, अब आप लोग बोल सकते हो। सो वॉलमार्ट अक्वायर्स फ्लिपकार्ट, या फिर कैन आई राइट टाटा अक्वायर्स एयर इंडिया, बराबर है। अभी क्या हो गया है, टाटा एयरलाइंस से तो वो लोग भी एयर इंडिया लिख रहे हैं, बट टाटा ने अक्वायर किया एयर इंडिया को। क्लियर है सब लोग को एक्विजिशन क्या होता है। जोमैटो अक्वायर्ड उबर ईट्स, जोमैटो हैज अक्वायर्ड ब्लिंकिट, वो आ सकता है। क्लियर गाइस, डन। अक्वायरिंग क्या होता है, सो किसी एक एंटिटी को अक्वायर कर लेना। एक बहुत फेमस रिवर्स एक्विजिशन हुआ था, किसी को पता है, तुम लोगों को नहीं पता होगा एक्चुअली, तुम लोग वो टाइम पे बच्चे थे। रिवर्स एक्विजिशन मतलब लेस लेस वर्थ कंपनी अक्वायरिंग हाई वर्थ कंपनी, लेस वर्थ कंपनी अक्वायरिंग हाई वर्थ कंपनी। जैसे वॉलमार्ट बड़ा है फ्लिपकार्ट से, तो उसने उसको अक्वायर किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। टाटा बड़ा है एयर इंडिया से, उसने उसको अक्वायर किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक कंपनी है जिसने रिवर्स एक्विजिशन किया था, एंड दैट वॉज टाटा। टाटा अक्वायर्ड कोरस, कौन सा पता है, टाटा स्टील अक्वायर्ड कोरस स्टील। कोरस स्टील प्रोबेबली वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी, एंड दिस टाटा स्टील वॉज सिक्स लार्जेस्ट। तो भी कोरस को बोला बंद कर, चल टाटा स्टील में अक्वायर हो जा, समझे। टाटा मोटर्स अक्वायरिंग जैगुआर, एक वो टाइम पे है ना, टाटा मोटर्स अच्छे लेवल पे था और जैगुआर डाउनफॉल पे था, तो इसलिए वो फिर भी इतना रिवर्स एक्विजिशन नहीं था जितना दिस वाज ह्यूज ह्यूज। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहां पे मैं खाली एक नोट लिखवा देता हूं, यहां पे खाली एक नोट लिखवा देता हूं। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द टर्म मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इज यूज्ड इंटरचेंजेबली, इज यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है, समझ में आया। ये एक चीज खाली आप लोग को बता देता हूं मैं कि भाई कभी कभी मर्जर्स वर्ड यूज किया तो एक्विजिशन भी हो सकता है, एक्विजिशन वर्ड यूज किया मर्जर भी हो सकता है, इन शॉर्ट दोनों साथ में ही
यूज हो सकते हैं, बट मेरा फर्ज था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया इंडिविजुअली क्या होता है। फटाफट लिखोगे, डन बोलोगे, उसके बाद अपन चलेंगे लास्ट के ऊपर, विच इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कौन राइट इट डाउन एवरीबॉडी। चलो हुआ क्या? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अपन लोग, एंड दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब बहुत इसमें चीजें इन्वॉल्व होती है। वी कैन से दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी। तुम लोग ने कंपनी का नाम सुना है वोडाफोन आइडिया? सुना होगा, मैं बता दूं वोडाफोन आइडिया में मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मेरे पास एवरेज शेयर प्राइस होगा उसका 8, आज देख लेना कितना चल रहा है। सो सिक को सही करना, यस ये भी एक पार्ट है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। तुम लोग को मैं दू क्या थोड़ा बहुत शेयर मार्केट का टिप भी? तुम लोग करोगे इन्वेस्ट तो बताऊं, मैं डिस्कशन करके बताऊंगा, ऐसा नहीं हवा में कोई बात नहीं करते अपन। देखते हैं, चलो छोड़ो, तुम लोग को इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है तो तुम इस पे ध्यान दो, चलो बुक पे ध्यान दो। हाँ, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग। अब वो कंपनी का मैनेजमेंट, फाइनेंस, बहुत सारी चीजें आती है इसमें, प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग अ कंपनीज मैनेजमेंट, फाइनेंसेस, ऑपरेशंस टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी। सिंपल और कुछ नहीं, टू इंप्रूव its efficiency. Is it similar to its internal reconstruction? Yes, sir. So, you can write down. Similar to internal reconstruction. ठीक है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया वोडाफोन आइडिया। चल क्लियर एवरीबॉडी? इधर तक किसी को कोई डाउट, कोई शक नहीं है? होना भी नहीं चाहिए। Please copy, everybody copy. चलो भाई ठीक है सर, तीनों का मतलब तो समझ गए। क्या अभी लेना सही होगा VI वोडाफोन आइडिया के शेयर्स? मेरे हिसाब से तो यस, आने वाले 2 साल में मुझे तो 30 जाता हुआ दिख रहा है, देखते हैं। आपने कितने में परचेज किया वोडाफोन आइडिया? 8, एवरेज 8 का है। चलो कंटिन्यू करें। सो ये बेसिक आइडिया आ गया, अब प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारे सम्स करने हैं अपने। बट एक बात बताता हूं मैं आपको कि कैसे है, बताएगा कभी कभार कोई चीज करने के लिए उसका एक बैकड्रॉप आना चाहिए अपने, ठीक है? तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है इजी, बट इजी तब लगेगा जब कुछ चीजें आपकी बेसिक से क्लियर हो। तो आज इट इज माय एफर्ट के मैं तुम लोग की वो बेसिक क्लियर करूं। आई डोंट नो आज मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन का सम करने वाला हूं या नहीं, करवाऊंगा या नहीं, आई डोंट नो, एंड आई एम नॉट इवन कंसर्न
फॉर इट एज ऑफ नाउ, बट मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम लोग का बेस एकदम मस्त वाला क्लियर कर दू. क्या बोलते हो? सही है. तो आज कुछ चीजें जो मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं दैट विल बी यूज थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट, थ्रू आउट एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थ्रू आउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम लोग को यह चीज यूज होनी ही वाली है. इनफैक्ट लाइफ टाइम ये सब चीजें, ये सब वर्ड्स तुम लोग को यूज करने हैं. इनफैक्ट ये सब के ऊपर तो मैंने काफी हद तक वीडियोस भी बनाना चालू कर दिया है. एंड उसी में सबसे पहला है, तो अभी मैं लिखवा रहा हूं, वी विल फर्स्ट कवर सम बेसिक्स ऑफ फाइनेंस टू हेल्प अस डिवेलप अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर दिस चैप्टर, of this subject and chapter. चल आ जाओ स्टार्ट करेंगे बेटा, दो मिनट में. जस्ट अ मोमेंट. चल सो सबसे पहला फंडा जो मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूं, तुम लोग बताना अगर तुम लोग ने इसके बारे में सुना है या तुम लोग को इसके बारे में आइडिया है तो, और नहीं है तो वैसे भी मैं तो करवाने ही वाला हूं. सबसे पहला चीज जो मैं इधर लिखने वाला हूं दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन. क्या इसका मतलब किसी को पता है क्या बच्चों? मार्केट कैपिटलाइजेशन, एवरीबॉडी एनी आइडिया व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको मार्केट कैप भी बोलते हैं प्यार से. तो प्यार से क्या बोलते हैं अपन लोग, ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा, इसको अपन लोग प्यार से बोलते हैं मार्केट कैप. इंस्टा शॉर्ट्स पे मैंने समझाया था, बट जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं बता देता हूं. मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि भाई मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मार्केट में कितने शेयर्स है अवेलेबल ट्रेडिंग के लिए. तो फॉर एग्जांपल मैं जब अगर बात करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो क्या मुकेश भाई अंबानी के पास जो शेयर्स है क्या वो भी फ्रीली ट्रेडेबल है क्या मार्केट में? मुकेश भाई अंबानी इज वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर एज सच, क्या वो भी फ्रीली अवेलेबल है क्या मार्केट में ट्रेडिंग के लिए? नहीं. तो क्या उनके जो शेयर्स है वो भी मार्केट कैप के लिए आएंगे क्या? नहीं. बट क्या आपके और मेरे पास, संकल्प घासिया के पास अगर 100 शेयर है क्या वो मार्केट कैप के कैलकुलेशन में आएंगे क्या? ऑब्वियसली सर, समझ रहे हैं आप. सो इट शुड बी फ्रीली अवेलेबल टू ट्रेड. इस वर्ड को प्यार से फ्री फ्लोटेड मार्केट, फ्री फ्लोटेड शेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना. पब्लिक का आदत क्या है, सीधा बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. बट कोई इनडेप्थ फाइनेंस का नॉलेज रखने वाला बंदा होगा ना जैसे आप और मैं, तो अपन बताएंगे भाई फ्रीली ट्रेडेबल शेयर्स है वो होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आपको, ठीक है. फॉर्मूला वाइज वही है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस, पर थोड़ा इसको अच्छी तरीके से बारीकी से अपन लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली अवेलेबल फॉर ट्रेड इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. ये होगा इसका सही डेफिनेशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूं ना मैं? वैसे ही करना चाहिए ना अपने को, तो यार कोई चीज पढ़ी रहे तो एकदम सिस्टम से पढ़ेगी नहीं. Are we understanding? Yes or no? बोलो बोलो चल चल. चलो लिखते हैं एक बार. Yes. So we will say. तो तुम लोग भी आज के बाद सीधा देखो number of shares into market price per share नहीं बोलने का. तुम अपना student है तो बोलने का number of shares freely tradable in the market into market price per share. ये नहीं, अपना कुछ छाप लगा होना चाहिए. क्या भाई, अपना बच्चा है कि नहीं? तो ये जब बारीकी वाली चीज पे आप ध्यान देंगे तब लगेगा कि हाँ भाई ये अपना बच्चा है. So it is, लिखवा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग. नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन मार्केट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर. तो अपन लोग इधर पूरा लिखेंगे इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर. ठीक है. अब मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता है? प्राइस एट विच इट इज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. एंड इसको प्यार से क्या बोलते हैं? फ्री फ्लोट शेयर्स. आगे ना आने वाला है तब मैं वापस से ये फ्री फ्लोट समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. ठीक है. इसको प्यार से बोलते हैं दैट इज फ्री फ्लोटिंग शेयर्स.
ठीक है। अब एक, 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 एक आपको दिखा भी देता हूं मैं यार, मार्केट कैप ऐसा कुछ डालते हैं अपन। लेट्स सी मार्केट कैप ऑफ रिलायंस। जब बात अरे अब जो तब जो में जाता है यार। अब देखो मार्केट कैप ऑफ रिलायंस तुमको दिखेगा 16 ट्रिलियन, छोड़ दो क्या होता है अपने तो दिमाग के ऊपर चली जाएगा, बट कैसे कैलकुलेट किया ये 2432.05 फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट, उससे आया ये 16.46 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। इधर देखो वर्ड भी लिखा है, लिखा 16.46 ट्रिलियन के नीचे मार्केट कैपिटलाइजेशन। समझ में आ गया, प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दिया है पब्लिक। चलो प्लीज छापो 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 एवरीबॉडी छापो, जैसे ही छाप लो मुझे बोलो तो मैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आपको ले चलूंगा। छापो एवरीबॉडी। आपको सबको समझ में आ गया क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन? बोलो बोलो चल चल। मैं धुंधला क्यों दिख रहा हूं? यस चलो। सो कैन आई से मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लियर है? ठीक है अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बट उसके पहले एक सिंपल फॉर्म में अगर किसी को मार्केट कैप लिखना हो तो क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस। ठीक है डन है गाइस? बोलो यार डन है सर। अब चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर यारो, अब चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर। सेकेंड कॉन्सेप्ट तो तुम लोग ने वैसे सुना होगा बट फिर भी मैं बता देता हूं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज गाइस अर्निंग पर शेयर। कोई मुझे बता सकता है ये क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का सिंपल मतलब है कि भाई टोटल कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दो, सब दे दो, उसके बाद जो पैसा बचता है, कैन आई से वो अर्निंग आफ्टर टैक्स जो इक्विटी शेयर होल्डर के पास बच जाता है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रॉफिट। डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करोगे तो पता चलेगा भाई एक शेयर के पीछे कंपनी ने कितना रुपया कमाया, अर्निंग कितना, एक शेयर ने कितना, एक रुपया दो रुपया जो भी है कमाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? ये देखो मुझे इंड एएस की दलील देने लग गया। अरे मुझे थोड़ी पता इंड एएस, इंड एएस के हमारे टाइम पे एएस 20 हुआ करता था, ईपीएस मस्त एकदम एग्जाम में भी आया था, लिख कर आया था मैं। हाँ भाई इतना पता है अपने को तो। सो इंड एएस का अपने को नहीं पता, फाइनेंस में अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा एवरीबॉडी बराबर है, मतलब अगर किसी को समझाना हो तो प्रॉफिट अर्न्ड पर शेयर, प्रॉफिट अर्न्ड पर शेयर बाय शेयर होल्डर। प्रॉफिट अर्न पर शेयर बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है? सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज ईपीएस, एक शेयर के पीछे कितना कमाया कंपनी ने। एक ये तो लोगों का लिखा हो गया, एक शेयर पर कितना कमाया कंपनी ने, डन। थर्ड
थर्ड, अब जो मैं चीज बोलने वाला हूं ना, अगर ये मुझे किसी ने समझा दिया ना, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई तुम्हारा थोड़ा बहुत फाइनेंस में आइडिया है तुम्हारे को। पीई रेशियो, ऐसा नहीं है ये पीई रेशियो तुम लोग ने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तुम लोग ने बचपन में इंटर में या वट एवर, और तुम लोग ने सुना भी है, बट कोई इसका मतलब समझा देना तब मान, मुझे तुम लोग सारा फॉर्मूला वॉर्मूला का दलील मत देना। पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, चलो बोलो कोई मुझे बता सकता है क्या होता है प्राइस अर्निंग रेशियो? ये मुझे बताओ, ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ तब मानेंगे। कितने टाइम में मेरा पैसा रिसीव होगा? जी नहीं, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड ना। पी रेशियो क्या होता है आंसर? बोलो बोलो, चल चल, एक रुपीज पर कंपनी कितना पैसा कमाती है? थोड़ा और, एनीबडी एल्स? गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स। शेयर्स कितना महंगा है? थोड़ा कनेक्ट करो ना, तुम लोग क्या सुनी सुनाई बातें बोल रहे हो, कल कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहे। चलो मैं बताता हूं, ठीक है। पी रेशियो का मतलब होता है फॉर एवरी रुपी अर्नड बाय द कंपनी, उसके लिए पब्लिक कितना मार्केट प्राइस देने को रेडी है। शशांक सिंह, वेरी नाइस। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के कंपैरिजन में शेयर की अर्निंग कितनी है? हाउ मच रिटर्न डू वी गेट बाय ऑन रुपीज वन? नो, हाउ मच इज द शेयर होल्डर विलिंग टू पे पर रुपी अर्नड? मतलब अगर एक कंपनी है जिसने 1 रुपए का ईपीएस कमाया, बट अपना उसका मार्केट प्राइस है 20 रुपीज, तो 1 रुपए कमा रही है फिर भी 20 रुपए का मार्केट प्राइस है, तो इस कंपनी का पी रेशियो है 20 टाइम्स। मतलब 1 रुपए कमाने के पीछे शेयर होल्डर उस शेयर के लिए 20 टाइम्स पैसा देने को रेडी है। तो ऐसी कंपनी का जब ईपीएस 10 रुपया हो जाएगा तो उसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, चल चल। तो शेयर होल्डर 20 टाइम्स देने को रेडी है उस शेयर के लिए, तो अगर 1 रुपया है तो 20 गुना के हिसाब से 20 रुपया दे रहे अपन, तो अगर 10 रुपए का ईपीएस आया तो 20 टाइम्स 200 रुपए का मार्केट प्राइस दे पाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में तुम लोगों को बोलूं तो पीई रेशियो इज इक्वल टू फॉर एवरी रुपी ऑन, फॉर एवरी रुपी ऑन, हाउ मच, सुनो ना, हाउ मच इज द इन्वेस्टर स्लैश शेयर होल्डर रेडी टू पे? समझे? मतलब अगर 1 रुपए का ईपीएस है एंड एमपीएस है उसका 20, तो शेयर होल्डर इज विलिंग टू पे 20 टाइम्स ऑफ एवरी रूपी अर्नड बाय द कंपनी। क्या बता सकते हो कि कौन सी कंपनी का आज की तारीख में पी रेशियो सबसे ज्यादा है? बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज में रहती है ये कंपनी। सो देखो, अभी बताया ना, अगर 1 रुपए का ईपीएस है तो मार्केट प्राइस पर शेयर 20 रुपया हो जाएगा, तो अपन क्या बोलते हैं, कंपनी का पीई रेशियो इक्वल टू 20 टाइम्स। अगर इसी कंपनी का ईपीएस 10 रुपया हो गया, देन एमपीएस कितना होगा? एंड आप सब लोग ने सही जवाब दिया, 10 × 20 टाइम्स ₹200। 10 × 20 टाइम्स ₹200। समझ में आई बात है एवरीबॉडी? हाँ भाई, ठीक है, क्लियर? यस, द आंसर इज अडानी। भाई साहब, अलग ही लेवल का उसका पी रेशियो चलता है यार।
समझ में नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता है। यूजुअली एक पी रेशियो होगा 10 का 15 का 20 का 25 का। ये अडानी को तो देखो, अडानी पावर का तो कम होगा शायद, पी रेशियो उसका नहीं दिखेगा। अडानी ग्रीन का नहीं, किसका, एंटरप्राइज का। ये देखो अडानी ग्रीन एनर्जी इज लेटेस्ट रिपोर्ट्स एंड स्टॉक प्राइस, द कंपनीज करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 226 एट द एंड ऑफ 22। कंपनी हैड अ पी रेशियो ऑफ 785। लाइक सीरियसली जीज, मतलब एक शेयर एक रुपए कमाने के पीछे पब्लिक उसको 200 रुपया 700 रुपया तक दे रहा है। क्या खुफिया बनती चल रहा है बॉस? ठीक है, दैट्स हाउ इट इज, इट इज, क्या बोल सकते अपन। सो वैसा है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इससे क्या तुम लोग कोई फॉर्मूला डिराइव कर पाए क्या पीई रेशियो का? बेटा क्या पीई रेशियो का तुम लोग कोई फॉर्मूला डिराइव कर पाए क्या? एक एक अर्निंग में के लिए कितना टाइम्स पीई रेशियो दे रहा है उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। समझ में आया? अडानी का शेयर लेना चाहिए क्या अभी? क्या अभी तो पहुंच गया वो अपने लेवल पे, थोड़े टाइम पहले लेते तो हो जाता काम। मैंने नहीं लिया, मैं तो भाई डर लगता है मेरे को तो ऐसी कंपनी से, मैंने नहीं लिया, बट बोल रहा हूं जिसको सट्टा खेलना है वो ले सकता है। करेक्ट, सो कैन आई से पीई रेशियो का तुम लोग ने इस हिसाब से फॉर्मूला आज बना दिया, एमपीएस कितना मार्केट प्राइस है फॉर एवरी अर्निंग डन बाय द कंपनी। अडानी का एग्जांपल चाहिए तेरे को या पीई रेशियो समझना है मनीषा जी? सो लिसन लिसन हेलो। सो ये देखो, पी रेशियो मतलब एक शेयर के लिए तू कितना रुपया, एक अर्निंग के पीछे तू कितना टाइम्स उसको मार्केट प्राइस देने को रेडी है। तो यहाँ पे 785 का, 220 का, 200 का पी रेशियो है अडानी का, मतलब एक रुपया अडानी कमाएगा ना पब्लिक उसके लिए 200 रुपया देने को रेडी है। जस्ट इमेजिन, राइट इट डाउन, लिखो फटाफट। डन, चलो इधर तक सब लोग साथ में हो मेरे। अर्निंग पर शेयर के लिए आप लोग इधर ये भी लिख सकते हो, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। डन बोलो ना यार, डन है, डन है, डन है सर, डन है। सो फार सो गुड, किसी को इधर तक कोई तकलीफ? ठीक है, इधर पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस, ये अपन लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया भाई। ओ भाइयो सुनो, ये क्यों भाई? ओ भाई, आज अपन लोग ने ये फॉर्मूला डिराइव किया, ध्यान रखना। ईपीएस जितना अर्न कर रहे हो, तुम्हारा पी जितना टाइम्स है, उससे एमपीएस बनता है। एमपीएस ईपीएस से डिवाइड होगा तो पता चलेगा किस कंपनी का कितना पी रेशियो है, कितना टाइम्स कंपनी पब्लिक पैसा देने को रेडी है। सो इधर और एक फॉर्मूला, इसी का कनेक्शन वाला ही फॉर्मूला है,
MPS is equal to P ratio into EPS. और उसके बाद EPS is equal to MPS upon P ratio. तीनों फॉर्मूला लिख लो, ठीक है? अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चीज के ऊपर जाते हैं, जिसको बोलते हैं अपन लोग कॉन्सेप्ट. टोटल अर्निंग्स पोस्ट मर्जर. सुनो अभी इधर, सपोज दो कंपनी ने सोचा कि हम दोनों का मेल मिलाप मिलन हो जाना चाहिए. तो से एक कंपनी है हमारी ए कंपनी, दूसरी कंपनी है हमारी टी कंपनी. हमारे हर एग्जाम्पल में ए कंपनी और टी कंपनी ही होगी. आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर, ए तो समझा स्टार्ट होता है अपना उसके लिए, पर टी क्यों? तो ए विल बी कॉल्ड एज अक्वायरर कंपनी, इसका ए, और टी इज योर टारगेट. Is your target company. समझिएगा everybody. तो A जो है हमारी target company है. सुनो ना, A जो हमारी target company है, इसका net profit before merger, net profit before merger था ₹8 lakh. T company का net profit बिफोर मर्जर था ₹5 lakh. ठीक है, अब ध्यान से सुना, आंसर तुम लोग को देना है. ध्यान से सुना, आंसर तुम लोग को देना है. एक कंपनी या अदर टी कंपनी गॉट अक्वायर्ड, बोलो मर्ज्ड बोलो, विद ए कंपनी. ठीक है, सो इसका मतलब ए कंपनी ने टी कंपनी को ले लिया. ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल पोस्ट मर्जर अर्निंग्स, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स, या जिसको अपन बोलते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, आपको जवाब देना है. बोलो कितना आएगा. बोलो बोलो, टेल टेल, वेरी गुड. अदर्स, वेरी गुड. करेक्ट. सो कैन आई से पोस्ट मर्जर अर्निंग्स ऑफ और नेट प्रॉफिट ऑफ ए एन कंपनी विल बी नेट प्रॉफिट या अर्निंग ऑफ अक्वायरर कंपनी बिफोर मर्जर प्लस नेट प्रॉफिट ऑफ टारगेट कंपनी बिफोर मर्जर. तो ये था ₹8 लाख, ये था ₹5 लाख, दोनों को मिला के बन गए पोस्ट मर्जर ₹13 लाख. समझे बच्चा, समझे बच्चू? प्लीज कॉपी, एवरीबॉडी कॉपी. एकदम हल्ले हल्ले पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन ही मत लेना, बस छोड़ दो अपने आप को मेरे पे.
ठीक है, क्लियर है इधर तक? आगे चलते हैं। तुम लोग ने ये कहावत सुनी है, सिनर्जी होता है सिनर्जी मिलता है, एक और एक 11। नहीं, एंड ऑफ द डे मर्जर तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो समझो नेट प्रॉफिट बिफोर मर्जर है ए कंपनी का 8 लाख, नेट प्रॉफिट बिफोर मर्जर है टारगेट कंपनी का 5 लाख, और ऑल्सो ऑल्सो देर आर सिनर्जी गेन्स ऑन मर्जर ऑफ रुपीज 4 लाख, नहीं 3 लाख, कैलक्युलेट पोस्ट मर्जर अर्निंग। कैलकुलेट पोस्ट मर्जर अर्निंग्स, कम ऑन स्टार्ट। सर एफआर में जब बिजनेस कॉम्बिनेशन में प्रॉफिट्स को टेक ओवर नहीं करते तो यहां पे क्यों करेंगे? ओ भाई मेरे, क्यों तू प्रॉफिट को टेक ओवर नहीं करेगा? प्रॉफिट को टेक ओवर करता है भाई मेरे। ग्लैक्सो एक कंपनी है, स्मिथलाइन एक कंपनी है, अब अगर ये लोग दोनों ज्वाइन हो गए तो क्या स्मिथलाइन प्रॉफिट कमाना छोड़ देगी क्या? फाइनेंशियली सोच, अकाउंटिंग टर्म्स में वो ठीक है, वो उसका अलग सब यहाँ पे वो रिकॉर्ड करेंगे, बट लॉजिकली तो ये स्मिथलाइन अभी भी प्रॉफिट तो कमाएगा ना बेटा, तो वो प्रॉफिट तो उतना ही कमाएगा जितना प्री मर्जर था। हाँ, मर्जर होने की वजह से कुछ और फायदा हुआ जैसे कि सिनर्जी गेन, तो वो अपन लोग ऐड कर देंगे जैसा आप लोग ने बोला, एंड इट विल बिकम 60 लाख। देयरफॉर पोस्ट मर्जर अर्निंग्स ऑफ अक्वायरर कंपनी, वो क्या आएगा यहां पे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्री मर्जर ऑफ ए कंपनी प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ टी कंपनी प्री मर्जर प्लस सिनर्जी गेन्स। सर सिनर्जी होती क्या है एक बार प्लीज एक्सप्लेन, जरूर करेंगे बेटा। सिनर्जी इन सिंपल टर्म्स होता है एक और एक 11, मतलब अगर दो कंपनी ज्वाइन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बेनिफिट होता होगा दोनों को। तो क्या होगा पता है क्या? से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ये कंपनी का ऑपरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बी कंपनी का मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब सपोज दोनों ज्वाइन हो गए, ऐसी कंपनी बन गई जिसका मार्केटिंग प्लस ऑपरेशंस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिनर्जी बेनिफिट। करेक्ट, समझे? इधर लिख देते अपन इफ एनी। क्लियर एवरीवन? हुआ क्या? बोलो एक बार, डन बोलो तो आगे बढ़ेंगे।
हम लोग को इधर लिखना है सिनर्जी का मतलब, तो लिखवा देता हूं आओ, एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड बाय अ ट्रांजैक्शन। गाइस प्लीज कंफर्म, अभी डन, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एंड दिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज स्वॉप रेशियो। बट ये क्या होता है ये हम आपको समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो स्वॉप, स्वॉप का मतलब क्या होता है, स्वॉप का मतलब क्या होता है, सुना है तुम लोग ने इसके टॉपिक इसके सर। आओ बताता हूं मैं स्वॉप का मतलब क्या होता है। स्वॉप मींस इन सिंपल वर्ड्स एक्सचेंज, सिंपल वर्ड्स में इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। सो और इसको डिटेल में लिखे तो exchange of shares या अदर अपन लिखेंगे issue of shares by acquirer company to target company, issue of shares by acquirer company to target company। अब कितना उसको issue करना चाहिए is the question that swap ratio will answer. How much shares should be issued? How much shares? How much shares should be issued by acquirer company टू टारगेट कंपनी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि फैक्टर्स लाइक इट कुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर, it could be based on earning price per share, it could be based on market capitalization, it could be net asset value, could be any of the factors, etc. कोई भी चीज के बेसिस पे हो सकता है ना वो। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो, अगर मेरे को, मैं acquirer company, या सुनो ना, तुम acquirer company हो, मैं target company, तो तुम मेरे को acquire करना चाहते हो, कितना शेयर्स दोगे मेरे को, क्या बेसिस पे मेरे को शेयर्स दोगे? कुछ तो बेसिस सेट करना पड़ेगा, कुछ तो फैक्टर सेट करना पड़ेगा। या तो भाई मार्केट प्राइस के बेसिस पे दे दो, या तो अर्निंग प्राइस के बेसिस पे, या मार्केट कैपिटलाइजेशन, या नेट एसेट वैल्यू, या एटसेट्रा, कुछ ना कुछ बेसिस पे तो आप दोगे ना। अरे हाँ कि ना, तो दैट बेसिकली इज और विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, और उसके बेस पे अपने को पता चलेगा कि भाई ठीक है, अक्वायरर कंपनीज ने टारगेट कंपनी को इतना शेयर्स दिया है। अभी क्लियर क्या होता है स्वॉप रेशियो, एक्सचेंज रेशियो? अभी तो लंबा गेम है, समझाते जाऊंगा तो तुम लोगों को समझेगा, डोंट हैव टू वरी एट ऑल। सो इसको थोड़ा और आगे क्लैरिटी के साथ देखते हैं कि एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट, ए कंपनी, मैं जानबूझ के ए कंपनी और टी कंपनी लिखूंगा, एफ आर क्यू, अक्वायरर एंड टारगेट। A company wants to acquire T company and has offered a swap slash exchange ratio of 1:2. इसका इंटरप्रिटेशन बताओ, कम ऑन। सो अपन यहां पे लिखेंगे
वन इज टू टू मीन्स, अब वो आप मुझे बताओगे। सोच समझ के बताना, वन इज टू टू स्वैप रेशियो डिसाइड हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? एक शेयर का दो के बदले, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ देखो। अब यहां पे होने क्या वाला है, कैन आई से सी, यहां पे क्या लिखा अपन लोग ने, इश्यू ऑफ शेयर्स बाय अक्वायरर कंपनी टू टारगेट कंपनी। अक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी को बोलेगी, ले भाई मेरे शेयर्स ले और मेरे पास आ जा तू। वन न्यू शेयर इन ए कंपनी फॉर एवरी टू शेयर्स इन टी कंपनी, वेरी गुड मेगा जी। ए कंपनी विल गिव वन शेयर फॉर ईच शेयर्स इन, वेरी गुड शशांक, बहुत बढ़िया। मनीषा जी, दीपक भाई, ज्ञान जी, चेरी जी, नेहा जी, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, वन इज टू टू मीन्स वन शेयर ऑफ अक्वायरर कंपनी फॉर एवरी टू शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी। समझे क्या? सो इधर एग्जाम्पल वन, ए कंपनी 20,000 शेयर्स, टी कंपनी 30,000 शेयर्स। ध्यान से सुनना, स्वॉप रेशियो, ठीक है, कंपनी का स्वॉप रेशियो ये लोग ने दिया है वन इज टू टू, वन इज टू टू का कंपनी ने स्वॉप रेशियो दिया है। अब अपने को यहां पे बताना है गाइस, अपने को यहां पे बताना है दैट टोटल मर्जर के बाद एक कंपनी के पास कितने शेयर्स रह जाएंगे। सो अब यहां पे रिक्वायरमेंट अपने को पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट अपने को पूछ रहा है दैट टोटल शेयर्स ऑफ ए कंपनी, क्योंकि अभी तो ए कंपनी ने टी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। सो ए कंपनी ने टी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है, बराबर है, एक्वायरर है, टारगेट को टेक ओवर कर लेगा। टोटल शेयर्स ऑफ ए कंपनी पोस्ट मर्जर, अब आते हैं, बहुत बढ़िया। सो इधर तुम लोग ने बोला भाई सर वन इज टू टू, देखो यहां पे तो तुम लोग ने ना लॉजिकली कर लिया, बट अगर मैं बोलता हूँ नंबर्स, इसको थोड़ा फॉर्मूला में डालना है तो कैसे डालोगे? चलो यहाँ पे तो मैं समझ में आता है मेरे को, ये तुम लोग है ना बेसिक कैलकुलेशन किया वन इज टू टू, तो अगर यहाँ पे इसका 30,000 है, सपोज टी कंपनी का 30,000 शेयर्स है, तो क्या रेशियो में जा रहा है? वन इज टू टू, सो 15,000 शेयर्स मिलेगा, बराबर है। सो देयरफॉर ए कंपनी प्री मर्जर कितना शेयर्स? 20,000 प्लस टी कंपनी पोस्ट मर्जर 15,000 शेयर्स, टोटल कितना हो गया? टोटल शेयर्स 35,000 शेयर्स। समझ में आया? फॉर्मूला में इसको कैसे बताओगे बोलो? टोटल शेयर्स ऑफ ए कंपनी, ये क्या आ गया? ए मतलब अक्वायर 35,000, ब्रैकेट में लिख देने का पोस्ट मर्जर। फॉर्मूला क्या बैठा? फॉर्मूला क्या बैठा स्वॉप रेशियो का? फॉर्मूला क्या बैठा मैं बताता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इनटू स्वॉप रेशियो, बराबर के नहीं? समझे कि नहीं? बोलो बोलो, समझे कि नहीं? क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो नेक्स्ट, फिर मैं डालता हूं तुम्हारे आगे एग्जांपल नंबर टू। एग्जांपल नंबर टू, ए कंपनी 45,000, टी कंपनी 40,000, टी कंपनी 50,000,
60,000. Swap ratio 4:5. कांचारे बोलो, आपको बताना है शेयर्स आफ्टर स्वॉप रेशियो. बोलो क्या आएगा. वेरी गुड यादव जी, बहुत बढ़िया, शाबाश. तो ये कैसे करेंगे अपन लोग, देखो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टी कंपनी कितने हैं, 60,000 इंटू स्वॉप रेशियो. तो आता है 48,000 शेयर्स. क्लियर एवरीबॉडी. सो टोटल कितना हो जाएगा, 40,000 तो था ही, अब और 48,000, तो 48,000 शेयर्स गिवन बाय ए कंपनी टू पी कंपनी, 88,000 शेयर्स. ए समझ गए भाई लोग, क्लियर हुआ कि नहीं पहले वो बता, फिर आगे की बात करूंगा मैं तुम्हारे साथ. क्लियर एवरीवन. सो इसको भी मैं एक 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 फॉर्मूला में डाल देता हूं कि भाई सुनो, टोटल शेयर्स ऑफ अक्वायरर कंपनी पोस्ट मर्जर इज 8,000 बराबर है. एंड ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं. So it is, so number total number of shares of acquired company post merger is A plus T, which is calculated as number of shares of acquired company plus number of shares of target company इंटू स्वॉप रेशियो. क्लियर है भाई. फॉर्मूला आता है तो एकदम हैवी लगता है, था ये कितना इजी, खुद ही दो मिनट में तुम लोग ने 48,000 88,000 सब बता दिया. बट अपने को तो फर्ज निभाना पड़ता है ना यार, कल उठ के तुम ना बोलो फॉर्मूला नहीं लिखा आया, समझ रहे हैं ना. क्लियर एवरीवन. बोलो बोलो, टेल टेल, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर भी हो रहा है. चलो आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे. और एक कॉन्सेप्ट करवा लू फिर करेंगे एंड. ओलो लो लो ओलो, बस 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 मेरा बच्चा, बस हो रहा है, खत्म हो रहा है बेटा, ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी. चलो आ जाओ. एंड दैट कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज EPS post merger. EPS post merger. तो ये EPS post merger कैसे कैलकुलेट करेंगे, आओ दिखाता हूं. आओ, 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 आओ. बस 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 मेरा बच्चा, बस रोते नहीं, बस होने को आया, होने को आया, होने को आया. चलो आ जाओ, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, फिर फॉर्मूला में इसको तब्दील कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे. आ जाओ, थोड़ा ही थोड़ा ही. आ जाओ ना, से एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं तुम लोग को ना. तो आ जाओ, सपोज ए है ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी है टी लिमिटेड, अक्वायरर टारगेट, अर्निंग आफ्टर टैक्स 5,00,000 और 2,00,000, नंबर ऑफ शेयर सीधी सी बात है प्री मर्जर 1,50,000,
synergy gains ₹75,000. Swap ratio 0.5. आप लोग को फिलहाल खाली इतना बताना है दैट रिक्वायर्ड, चलो रिक्वायर्ड पार्ट बताता हूं आपको. आप लोग को बताना है अर्निंग्स आफ्टर मर्जर, वेरी गुड. फिर ईपीएस, आफ्टर मर्जर. चलो ट्राई करो, कम ऑन, द टाइम स्टार्ट्स नाउ. 2 मिनट दे रहा हूं, स्टार्ट. चल करू स्टार्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. तुम्हारे आंसर्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, अच्छे लग रहे हैं मुझे. स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है, एक एक करके. सबसे पहला टोटल अर्निंग्स मैं निकालता हूं पोस्ट मर्जर. तो वी विल राइट हियर ए प्लस पी. क्या आएगा? कैन आई से इट विल बी 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 8 लाख रुपीज. यस. सेकेंड, डन. सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर. मेरी मर्जी, लो मैं 1 लाख लिख दिया ना, मैं 1 लाख ही रखेगा. चलो जाओ, तुम कौन होता है मेरे को बताने वाला? हाँ लो, अब बोलो, अब बोलो. चलो कुछ भी करने का था, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का था, तुमने ऐसा करके मेरा ईगो हर्ट किया. जो अभी मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया. जाओ अब बोलो, अब उठाओ क्वेश्चन ना, सवाल उठाओ अभी. आए बड़े सर, एक तो हम आपका भला कर रहे हैं, ऊपर से आप इतना होशियारी मार रहे हो. हाँ मेरा मर्जी, मेरा सब, मेरा एग्जाम्पल करेगा मैं ऐसा. चलो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर देखो. सो प्री मर्जर ए का कितना था, फिर टी का कितना था, प्री मर्जर ए का कितना था, 1 लाख शेयर्स. 1 लाख शेयर्स भाई, खेलना तो पड़ेगा, बैट मेरा है. तो क्रिकेट खेलना है तो बैट मेरा है भाई, तो खेलना तो पड़ेगा तुम्हारे. प्लस अब इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, कैन आई से अब स्वॉप मारेंगे टी के ऊपर. अच्छा टी का कितना शेयर है बेटा, टी का शेयर है 50,000 इंटू अपन क्या करते हैं स्वॉप रेशियो. सो 25,000 शेयर टोटल हो जाएगा 1,25,000 शेयर्स. समझे? डन. बस बस 2 मिनट में हो रहा है. अरे भाई इसको क्या हो गया यार, चलो तुम्हारी नजर लग रही है, अच्छा खासा चल रहा था, 2 मिनट में खत्म हो रहा है. बस चलो सेकेंड, थर्ड 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 थर्ड, और क्या और क्या और क्या और क्या ढूंढ सकते हैं, और क्या ढूंढ सकते हैं.
ईपीएस ऑफ ए प्री मर्जर, बोलो निकाल सकते हो क्या? डेफिनेटली सर, कितना आएगा? ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब 5, बराबर है कि नहीं? 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख शेयर्स इक्वल टू रुपीज 5 पर शेयर, डन। फिर ईपीएस ऑफ टी प्री मर्जर निकालो तो एक बार, कितना है? 2 लाख डिवाइड बाय 50,000 4 पर शेयर, चलो 2 लाख डिवाइड बाय 50 तोला, सो कितना हो गया? रुपीज 4 पर शेयर, डन। ये भी क्लियर है अपने को? यस सर, चलो डन। फिर लास्ट, जिसके लिए ये मेन किया है, ईपीएस ऑफ ए कंपनी पोस्ट मर्जर, तो इट विल बी अर्निंग आफ्टर टैक्स पोस्ट मर्जर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, करेक्ट, पोस्ट मर्जर, बराबर है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है अपने पास, अर्निंग आफ्टर ये है तो 1/2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इक्वल टू रुपीज 8 लाख डिवाइड बाय 1,25,000 शेयर्स इक्वल टू यस रुपीज 6.4 पर शेयर। बच्चा बच्चा एवरीबॉडी, क्लियर? इधर तक सबको क्लियर है? सो बस एक लास्ट कंक्लूजन लिखवा देता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 3 का। फॉर्मूला बनेगा ईपीएस पोस्ट मर्जर, क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स प्री ऑफ ए प्री मर्जर प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ बी सॉरी ऑफ टी प्री मर्जर प्लस सिनर्जी गेन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ शेयर ऑफ टी इंटू स्वॉप रेशियो, ठीक है? डन फॉर्मूला के साथ। क्या बोलता है पब्लिक, समझ में आई बातें? सारी बातें समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स एनीवन? अब देखो टी कंपनी वाले कितने खुश हो जाएंगे, 4 रुपए का ईपीएस था अब 6.4 हो गया। ए कंपनी वाले भी खुश हो जाएंगे, 5 रुपए का ईपीएस था अब 6.4 हो गया। समझे? एकदम क्लियर एवरीबॉडी? दिमाग में एकदम सेट हो गया सबको इधर तक? एनी क्वेश्चंस एनीवन? ऑल वेल, सो फार सो गुड, दैट्स ग्रेट। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखना है, लिख लो। तो 3 कॉन्सेप्ट आज अपने हो गए, मार्केट कैप हो गया, ईपीएस पी रेशियो इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो एमपीएस समझ में आ गया, मर्जर्स क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है वो समझ में आ गया। तो ब्रिक बाय ब्रिक अपन लोग ने एक आज अच्छा चीज कंप्लीट कर दिया। मेरी तो इच्छा थी कि आज तुम लोग को एक दो सम भी करवा दूं, सिंपल सिंपल वाले, बेसिक बेसिक वाले, ठीक है। आई थिंक अब तुम लोग बिजी लोग हो, बड़े लोग हो। अक्षय, गुड आइडिया। पहले तुम लोग ये लिख लो, धीरे धीरे चलो करते हैं तुम लोग आइडियाज को इम्प्लीमेंट। हाँ, नहीं करवा रहा हूं सब बाबा, आई नो नहीं करवा रहा हूं। चलो ठीक है, ओके गाइस, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता। यस, ठीक है, चलो नोट्स भी मैं अभी का भी अपलोड कर देता हूं तो तुम लोगों को फिर टेंशन नहीं रहेगा इसका।
क्या बोलते हो? ठीक है चलो औसम। चलो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे तुम्हारे सब पॉइंट्स रिलेटिंग टू टाइमिंग्स, होएगा। हाँ शिवम, तू कुछ सजेशन दे रहा था। अच्छा इवनिंग वाला, ओके चल ओके, मिलता है, बाय बाय। नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, कॉपी कर लेना कल मॉर्निंग में। कीप स्माइलिंग, थैंक यू।